keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, आज जा रही हूँ मैं दुर्ग। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, फिर अब जाने। ये देखिए, अभी मेरी पूरी पैकिंग वगैरह चालू है। ये सूटकेस में मैंने सामान रख लिया है, जो भी ले जाना है वगैरह। मेरी पैकिंग चालू है जाने से पहले। किचन का भी मैं बहुत सारी सब्जियां वगैरह और आम वगैरह लेकर के आ गई थी। थोड़े अचार डालूंगी करके, पर मैं थोड़ा सा पन्ना बना दे रही हूँ। और थोड़ा सा ये देखिए, ये पन्ना के लिए मैंने ऐसे आम को छील करके बॉइल्ड कर लिया। अब शक्कर मिला करके उसको पीस के एक बॉटल में भर के रख दूँगी। ये मेरी बहन नींबू का अचार में बनाई थी, वो ले जाना है एक मम्मी के यहाँ और एक बहन के यहाँ के लिए। ये प्रसाद अम्बा देवी गए थे तो वहाँ का प्रसाद भी रखा हुआ है। आप लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं निकल रही हूँ दुर्ग के लिए। आज मैं निकल रही हूँ भिलाई अपनी मम्मी की तबीयत देखने के लिए। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी का रोज फोन आता, मम्मी रोज फोन करती है रोज। और हम लोग सच में अपनी मम्मी को कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फोन आया तो बोल देते हैं कि हाँ मम्मी मैं अभी इधर हूँ, अभी उधर हूँ, ऐसा करके। परंतु जब माँ का फोन 4-5 दिन नहीं आया, तब रियलाइज हुआ कि कितना महत्व, कितना मैटर रखता है माँ का एक फोन। रोज फोन करती और अभी दो मतलब 4-5 दिन से बात ही नहीं हुई, तो फिर इतना खालीपन लग रहा है। वैसे तो फ़ोन करके मैंने पूछा तो भाई बताया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो फिर मैं आज ही निकल रही हूँ। मेरी पैकिंग वगैरह हो गई सब, घर को भी पूरा वाइंड अप करना पड़ता है अच्छे से। फ्रिज वगैरह का सब, पिछले बार तो फ्रिज का कितना इशू हो गया था, आप लोग को पता ही है। इस बार मैं पूरा अच्छे से ये करके जा रही हूँ। फ्रिज में मैंने ऐसे पूरा ये मैंने आम का अचार थोड़ा डाल दिया और ये थोड़े पन्ना बना के रख दी मैं आम का, तो बाकी सब सब्जी तो इंदिरा को दे दी मैं। ये प्रसाद है तो ये बिना भूल ही गई, देखो ये सब रखा है। ये तो बाहर निकले सब बर्तन, ये पूरे बर्तन वगैरह धोकर के इंदिरा चली गई है। ये जो बाहर रहता है पाटा टब वगैरह, वो भी मैं अंदर करवा दी, क्योंकि पीछे से बहुत हवा वगैरह चलती है, कबूतर बहुत ख़राब करते हैं। ये मेरा सूटकेस पैक हो गया, बैग पैक हो गया, ये सब मैंने बाहर निकाल करके रख दिया है। बस अभी पहले तो किटी पार्टी में जाना है, मुझे किटी पार्टी साउथ की keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo, and look at the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take. आजकल सांभर चटनी ये लोग बहुत कम। फिर मैं रात को सत्य ने मुझे स्टेशन छोड़ा तो ये मैं मैके पहुंच गई।
उसका ब्लॉग है बापरे इतना आंधी तूफान सब चला अभी है, नहीं रोज सवेरे करते हो सब वेट ले रहा है अपना अभी ये शर्ट अब यहाँ पर सब अपना अपना वेट ले रहे हैं वेट चेक कर रहे हैं कि किसका कितना वेट है करके ये निशा की बहन है हेलो ये तो बिल्कुल वेटलेस ही है उठते साथ किया जा रहा है मस्त सब्जी दिख रही है क्या की सब्जी है गोभी आलू मुनगा मिक्स सब्जी गोभी आलू मुनगा मिक्स सब्जी बन रही है इधर चावल बन रहा है दूध दूध है इधर आटा है उधर मसाला दानी फेंकते नहीं मैं वही 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 चीज मैं बोलती ये लोग ना फेंकते नहीं अरे बोलो जो निशा क्यों ऐसा करती है क्या करती हूँ आपका ब्लॉग बंद होगा फिर थोड़ी अच्छे से क्यों नहीं रखती है सामान को अच्छे से रखा है नजर का दोष है जो झिल्ली का कंप्लेन किया गया वो कल्पना मदानी का ही निकला है अभी क्या नहीं सब्जी सुधर रख रही है क्या क्या सब्जी लाए हो भिंडी गोभी मुनगा आलू प्याज हरी मिर्ची टमाटर अदरक अच्छा और वो क्या है करोड़ी भात का हाँ चावल करोड़ी मालूम महाराष्ट्र में उधर ना रस के साथ खाते ये इसको तल के रस के साथ आम रस के साथ टेस्टी लोग रस के साथ कुछ काम नहीं है सब रसा डालते हाँ वैसे भी अच्छा अब सब्जी निकल रहा है खजाना निकल रहा है यहाँ से वही तो छत्तीसगढ़ में सब्जी लेकिन अच्छा मिलता है ये मिस करती मैं और मुनगा दे बोलो जो निशा क्यों ऐसा करती है क्या करती हूँ आपका ब्लॉग बंद होगा फिर थोड़ी अच्छे से क्यों नहीं रखती है सामान को अच्छे से रखा है नजर का दोष है जो झिल्ली का कंप्लेन किया गया वो कल्पना मदानी का ही निकला नाश्ता अभी मिंटू नाश्ता कर रहा है हर्ष क्या कर रहा है अपने दादी के पीठ दबा रहा है ना दादी की सेवा कर रहा है ये लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं क्या नाश्ता बना है पंजाबी पराठा इतना बड़ा बड़ा पराठा लच्छा पराठा अच्छा बाहर का वेदर तो ऐसा है जैसे कोई हिल स्टेशन में आ गए हो ऐसा लग रहा है जैसे हिल स्टेशन है ना मिंटू तुम्हारे वहाँ का तो बहुत अच्छा रहता वेदर निशा क्या बना रही है पनीर की सब्जी बना रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए हमारे बच्चे दाल चावल नहीं खाते क्या खाते हैं पनीर रोटी खाएंगे अच्छा और ये बाकी लोगों के लिए बना है बाकी लोग खा भी लिए और ये लच्छा पराठा दिखा आपका बहुत ही जोरदार होटल के जैसे दिख रहा है लच्छेदार बाप रे ये पराठा ठंड हो जाएगा इंसान खा के हाँ और ये क्या बन रहा है अच्छा पनीर की ग्रेवी तल के डालेगी पनीर ऐसे ही डालते हैं निशा क्या कर रहे हो सार रही क्या सार रहे हो आज तो मैंने बाल पे आयलिंग कराई इतने बाल झड़ रहे थे निशा की बहन को बोली मेरे बालों में ऑयल कर दो करके खूब मुस्तम तो उसने ऑयल लगा दिया हम लोग जब अमरावती से निकले मैं और स्वाति अमरावती से निकले तब तो बारिश नहीं थी पर जैसे घर से थोड़ी दूर निकले इतनी ज़ोरदार बारिश बिजली तो ऐसी कड़क रही थी इतना डर लग गया था
पूरे भीग गए थे हम लोग, पर वैसे में मैं आई। अभी मम्मी की तबीयत ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पर, मैं वही देखी कि वीडियो तो एंड हुआ ही नहीं, यहाँ पे वीडियो बनाना भी हो नहीं रहा। फिर भी मैं दूसरे यहाँ पे ऐसे दो फ्लैट लिए हैं तो अच्छा है, एक फ्लैट में ऐसे शांति रहती, बच्चों के पढ़ने के हिसाब से है, तो वहाँ पर आकर के फिर मैंने अपने वीडियो का एंड किया। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।